फ्रेंड्स वेलकम हेयर हव यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए ली पिकअप पाइल रीडिंग लेकर एंड आज के पाइल में आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप जिनके भी बारे में सोचते हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं चाहे वो आपके एक्स हैं चाहे आपके क्रश हैं चाहे आपके प्रेजेंट पार्टनर हैं चाहे आपके हस्बैंड हैं चाहे आपकी वाइफ हैं चाहे आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं लिविंग रिलेशनशिप में हैं साथ हैं दूर हैं जिनके भी बारे में आप सोचते हैं जो भी आपके पर्सन हैं जो भी आपके पार्टनर हैं चाहे आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं उनके थॉट प्रोसेस क्या है आपको लेकर पाइल वन है ब्लू कैंडल्स एंड पाइल टू है पिंक कैंडल्स आप लोग अपने इंट्यूशन से जौन सा पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको चूज कर लें एंड प्लीज़ कीप इट इन माइंड दिस इज जनरल रीडिंग तो जितनी रेजोनेट करे जैसी रेजोनेट करे उसको रख लें एंड लीव द रेस्ट एंड दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग जब भी आप देखेंगे आपसे रेजन इट करेगी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर एंड वेलकम पायल वन जिन्होंने ये ब्यूटिफुलसी सेंट कैंडल्स ब्लू कलर की चूज़ की हैं हम लोग चेक करने वाले हैं कि आप जिनके भी बारे में पूरा दिन सोचते हैं बार बार सोचते हैं या फिर अक्सर सोचते हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं ठीक है ये जनरल रीडिंग है तो जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट एंड सेकेंड थिंग इज़ ये टाइमलेस रीडिंग है जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी सो योर फर्स्ट कार्ड इज़ टू ऑफ कप्स अगर ये रीडिंग पूरी तरह से रेजोनेट ना करे तो आप लोग दूसरा पाइल जाकर भी चेक कर सकते हैं या फिर बहुत सारी चैनल्स पर मेरे वीडियोस आती रहती हैं आप और वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं राइट तो योर फर्स्ट कार्ड इज़ टू ऑफ कप्स हो सकता है कैंसर पार्स स्कॉर्पियो आप या आपके पर्सन हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स स्टॉर्स वर्गो कैपिकॉन टू ऑफ सॉट्स Aquarius, सभी साइन यहाँ पे मौजूद हैं और अभी फायर साइन यहाँ पर नहीं आया है अर्थ साइन है एयर साइन है वाटर साइन है आपका या आपके पर्सन का सन मून वीनस राइजिंग साइन में ये साइन हो सकते हैं राइट अगर बात की जाए कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी सो so दैट ये क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आपकी है आप लोग ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में हैं डिवाइनली गाइडेड जर्नी में आप लोग हैं फाइनेंस आपका काफ़ी अच्छा है पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी ग्रोथ हुई है फाइनेंस में जब आप इस रिलेशनशिप में आए हैं आपकी स्पिरिचुअली मेंटली फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ हुई है नेम फेम पैसा सब कुछ मिला है एंड हो सकता है आप में से कई लोग स्पिरिचुअल हीलर टैरो रीडर्स यूट्यूबर्स या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको जानते हैं नेम फेम आपका काफ़ी अच्छा है फाइनेंशियल स्टेटस आपका काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड हैं आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे के साथ एंड दोनों एक दूसरे के बारे में डे एंड नाइट ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आवर्स कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है एंड आपकी आ, पोस्ट काफ़ी अच्छी है आपकी आपका रुतबा काफ़ी अच्छा है आप में से कुछ लोग हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में हो और वहीं कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी ऐसी अथॉरिटेटिव जॉब में हैं जिनके अंडर बहुत सारे वर्कर काम करते हैं और आप लोग टीम लीडर हैं हेड ऑफ द टीम हैं एंड इस तरह से भी वाइब्स आ रही हैं एंड इस रिश्ते में क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके रिश्ते में कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है क्लैरिटी की एंड कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है कि आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें एंड सिमिलरली कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ख़ुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कनेक्शन जा कहाँ रहा है आखिर ये पर्सन आपसे चाहता क्या है एंड वहीं कुछ लोग मुझे सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी दिखते हैं ओके okay? तो अगर बात की जाए कि जिन भी पर्सन के बारे में आप सोचते हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं कुछ लोगों के लिए तो ये आपके क्रश भी हैं अभी तक आपने खुद ने लव एक्सप्रेस नहीं किया है एंड बहुत सारे लोगों के लिए सोलमेट ट्विन फ्लेम हस्बैंड एंड लिविंग रिलेशनशिप जो भी है लेकिन आपको पता है कि सोलमेट कनेक्शन है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड आप लोग बात कर चुके हैं प्रपोज कर चुके हैं बट स्टिल वो पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं ऐसी सिचुएशन है तो मैं बता दूं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं नंबर वन थिंग ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं जितना आप इन्हें लव करते हैं सिमिलरली ये भी उन्हें उतना ये भी आपको उतना ही लव करते हैं चाहे ये कन्फेस करें या ना करें और हो सकता है कुछ केसेस में तो इनको खुद को ना पता हो कि ये लव है और इनका इतना डीप कनेक्शन है बिकॉज़ ये सोलमेट कनेक्शन है जन्मों जन्मों का कनेक्शन है आप लोगों के दरम्याप राइट right? तो ये पर्सन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एंड ये पर्सन आपके बारे में जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो एंड ये पर्सन आपको जाने अनजाने किसी भी तरह से इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहते सेकंड थिंग ये पर्सन के अकॉर्डिंग आप बहुत ही वेल well एजुकेटेड हो आप वेल well बैलेंस हो आपके पास नेम फेम पैसा रुतबा सब है आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो आप रिस्पॉन्सिबल हो आपके पास मनी काफ़ी अच्छी है एंड आपने ये सभी चीज़ें अपनी मेहनत के दम पर बनाई है ऐसा मानना है इस पर्सन का इस पर्सन को पता है कि अगर आप रिश्तों और पैसों में किसी एक को चुनना पड़े तो आप रिश्ते को इम्पॉर्टेंस दोगे इस पर्सन को पता है कि आप इमोशनली जब किसी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप चाहकर भी उसको हर्ट नहीं कर सकते आप बहुत लव करते हो ये पर्सन को पता है कि आप बहुत इमोशनल हो ये इस पर्सन को पता है कि आप वेल well सेटल्ड हो इस पर्सन को पता है कि आप रिच हो अच्छी पोस्ट पर हो इस पर्सन को पता है कि आप इंडिपेंडेंट हो एंड इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप टाइम थोड़े से कंफ्यूज वाली पर्सनालिटी भी हो दैट मीन्स इन पर्सन को लगता है कि आप सिर्फ वही कन्फ्यूज़न में नहीं रहते हैं आप भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं इन पर्सन का मानना ये है कि आप सबके लिए तो डिसीज़न फटाक से ले लेते हैं लेकिन खुद के लाइफ में आप अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं एंड इन पर्सन को पता है कि आप इनसे क्लैरिटी चाहते हो एंड ये पर्सन भी क्लैरिटी देना चाहते हैं बट अभी वो इनडिसाइजिव हैं डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं बाय हार्ट चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसके पास बेशुमार लव है क्वीन ऑफ कप्स जिसके पास बेशुमार लव है जिसके इमोशंस फूट फूट के बाहर निकलते हैं जो हर एक के लिए बहुत काइंड हार्टेड है जिसके पास लव प्यार से भरा हुआ दिल है जो भूल कर भी किसी का बुरा नहीं कर सकता आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो इन पर्सन की नज़रों में इन पर्सन की नज़रों में आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसको झूठ से सख्त नफरत है इस पर्सन की नज़रों में आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि जो हमेशा जस्टिस के लिए खड़ी रहती है जो अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ है जो सही नहीं है इवन दो किसी और की लाइफ में भी कोई चीज़ सही नहीं है तो आप उसको कट क्लियर और क्लिन करने के लिए रेडी रहते हो आप बहुत हिम्मत वाले हो आपके पर्सन को पता है एंड आपके पर्सन यही सोचते हैं कि आप कितने हिम्मत वाले हो आप कितने लविंग हो कितने केयरिंग हो वो कितने ऑनेस्ट हो कितने इंडिपेंडेंट हो कितने हार्ड वर्किंग हो एंड आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आपसे अच्छा रिश्ता उन्हें मिल ही नहीं सकता और आप उनकी सोल आपकी सोल से कनेक्टेड है वो माने या ना माने इनडिसाइजिव हैं आई प्रे फॉर यू कि जल्दी से वो डिसीज़न ले और आपका रिश्ता आगे बढ़े बट आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं तो वो यही सब सोचते हैं एंड एक बात और मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन ये भी सोचते हैं कि टाइम आप बहुत ज़िद्दी हो जाते हो एंड किसी की एक भी नहीं सुनते एंड लेकिन आपके पर्सन उस उन चीज़ों के लिए आपको गलत नहीं समझते हैं बिकॉज़ उन्हें पता है कि आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहते हो एंड जब वो सहने की शक्ति खत्म हो जाती है तो वो गुस्सा बाहर निकलता है गुस्से की फॉर्म में लेकिन उनको पता है आप उतने ही जल्दी शांत भी हो जाते हो एंड uh, आप उनके मैसेज़ का बहुत बेसब्री से वेट करते हो उनकी कॉल्स का बेसब्री से वेट करते हो ये भी आपके पर्सन को पता है एंड <laughs> काफ़ी चुपे रुस्तम है एक्चुअली में वो काफ़ी कुछ उन्हें पता है आपके बारे में बट स्टिल चुप हैं सो so, ये थी आपकी रीडिंग आईज आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी आपको पसंद आई होगी फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं और मुझे लगता है इस रीडिंग में एक चीज़ और मिस है एंड वो ये है कि आपने हो सकता है फाइनेंशियली अपने पर्सन की बहुत बार हेल्प भी की हो तो ठीक है फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं बाय फॉर नाउ हैव अ गुड डे टेक केयर वेलकम फाइल टू जिन्होंने ये पिंक कैंडल चूज़ की है हम लोग चेक करने वाले हैं कि जिनके भी बारे में आप बहुत कुछ सोचते हो अक्सर सोचते हो ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आवर्स सोचते हो वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं कंडीशन कुछ भी हो सकती है आन ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे रेस्ट ये टाइमलेस रीडिंग है जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी सो योर फर्स्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून योर सेकेंड कार्ड इज हैंगमैन Your third card is three of cups. Your fourth card is nine of rods. And your fifth and the last one card is ten of cups. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. आप या आपके person sun, moon, Venus, rising sign में हो सकते हैं. And before starting the reading, थोड़ा समय clarity कर दूँ, so that आपको पता चल जाए ये reading आपकी है या किसी और की है. आप में से कुछ लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है एंड कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है जो आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है आ, ये रोमांटिक पर्सन कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट में है और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसके कारण वो आपके लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ट्रस्ट इशू मेंटेन है रेस्ट आप और आपके पर्सन दोनों ही मैरिज चाहते हैं दोनों ही रिकन्सिलेशन एंड रीयूनियन चाहते हैं <coughs> लेकिन चीजें स्टक हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इशू बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन और थर्ड पार्टी पर्सन एज अ रोमांटिक पार्टनर जो प्रीवियसली थी या अभी भी है ओके okay? प्रीवियसली uh, ऐसे हो सकती है कि, कि किसी का पास्ट टाइम में कोई एक्सपीरियंस अच्छा ना आ रहा हो एंड उस एक्सपीरियंस की वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अगेन उनका दिल टूट जाएगा अगेन आपका दिल टूट जाएगा चीज़ें इम्बालेंस हो जाएंगी ओके okay? तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि आप जिनके बारे में सोचते हो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं नंबर वन थिंग इज़ दिस कि ये पर्सन आपसे बहुत 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 इमोशनली कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको लव करते हैं इनसिक्योरिटी इस पर्सन को है थोड़ी फैमिली फा, से कुछ लोगों को समाज से कुछ लोगों को खुद से इनको लगता है कि अगर ये आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शायद आ, ट्रस्ट इशू है जो इनको नहीं करने दे रहा है एक्सेप्ट फैमिली की वजह से है कि फैमिली क्या कहेगी दुनिया क्या कहेगा समाज क्या कहेगा इस तरह की सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देती है ये पर्सन बहुत ही कंजर्वेटिव हैं जल्दी से अपनी लाइफ में किसी को एंटर करने नहीं देते लेकिन एक बार आप एंटर हो जाएंगे तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी से अच्छी किसी तीसरे की कंपैटिबिलिटी हो ही नहीं सकती एंड ये पर्सन पूरी तरह से देन एक्सप्रेसिव हो जाएंगे डोंट वरी इन दिस केस ओके ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं रीज़न मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं एंड ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं बात की जाए उस बारे में तो ये पर्सन का मानना है कि आप बहुत ही लविंग हो केयरिंग हो एंड आप एक मारिज मटीरियल हो दैट मीन्स एक मारिज के बाद एक पर्सन में एक लाइफ पार्टनर में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप में वो सभी क्वालिटीज़ हैं इवन दो उनसे ज़्यादा ही हैं इस पर्सन का मानना है कि आप इन्हें जितना अंडरस्टैंड करते हो उतना इन्हें आज तक कभी किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया इस पर्सन का मानना है कि आप भी कंजर्वेटिव हो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पर्सन कंजर्वेटिव है आप भी कंजर्वेटिव हो आप भी जल्दी से अपनी लाइफ में किसी को एंट्री नहीं देते हो और अगर देते हो तो सब कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस कर देते हो सब कुछ उस पर लौटा देते हो तो ये पर्सन आपको बहुत लविंग केयरिंग पर्सनलिटी के रूप में देखते हैं इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप जहाँ रहते हो वहाँ मिल जुल कर रहते हो फ्रेंड्स बना लेते हो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है लेकिन आप मिलजुल कर रहते हो लड़ाई झगड़े बहुत कम करते हो लड़ाई झगड़ों के केसेस में अननेसेसरली नहीं उलझते हो आपका दिल बहुत साफ है मिलजुल कर रहना शेयर करना लोगों को हेल्प करना इंजॉय करना एंड सबका रिस्पेक्ट करना सबकी रिस्पेक्ट करना सबको आदर से देखना एंड सबकी हेल्प करना आपके नेचर में इंक्लूड है इन पर्सन का मानना है कि आप एक फैमिली पर्सन हो और फैमिली के लिए आप कुछ भी कर सकते हो फैमिली के लिए अगर आपको कोई टाइम आए कि खुशियाँ सेक्रीफाइस करनी पड़े, खुद को सेक्रीफाइस करना पड़े तो भी आप कर दोगे इसमें कोई डाउट नहीं है कोई इन्हें दो राय नहीं है ये पर्सन का मानना है कि आपको वर्ल्ड टूर करना बहुत पसंद है Uh, हो सकता है कुछ में कुछ लोगों का सपना वर्ल्ड टूर हो या फिर uh, कुछ प्लेसेस हो जहाँ पे आप जाना चाहते हो एंड या फिर कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है कि ये कनेक्शन ओवरसीज हो आपके पर्सन आपकी कंट्री में ना हो दूसरे कंट्री में रहते हों दूसरी सिटी में रहते हों एंड ये पर्सन को पता है कि आपको वर्ल्ड टूर करने का ट्रैवलिंग करने का हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का नेचुरल प्लेसेस देखने का बहुत शौक़ है एंड आप में से कई लोगों को बोटिंग का बहुत शौक शौक़ है एंड वो वो भी इस पर्सन को पता है एंड सिमिलर वे में इन ये पर्सन को ये भी पता है कि इनके भी शौक़ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं तो इन इस पर्सन का बहुत मन है कि आफ्टर मैरिज आफ्टर री यूनियन ये आपके साथ नेचुरल प्लेसेस पे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाएं आपके साथ बोटिंग करें आपके साथ ओवरसीज जाएं आपके साथ वर्ल्ड टूर करें एंड आपके साथ पूरी दुनिया घूमें एंड बची हुई रेस्ट ज़िंदगी आपके साथ ही ये पर्सन स्पेंड करना चाहते हैं कोई दो राय नहीं है इन पर्सन के अकॉर्डिंग आप बहुत ही एनर्जेटिक हो चाहे वो वर्क हो फैमिली हो कोई भी चीज़ हो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं हटते हो इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप बहुत ही अच्छी जॉब पर हो इंडिपेंडेंट हो लॉयल हो एंड सारी चीज़ों को बहुत ही वेल मैनेज करके चलना जानते हो दैट मीन्स ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें सम सोचते हैं आपका काफ़ी अच्छा इन पर प्रभाव है ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि सम टाइम आप स्टक हो जाते हो एंड देन उन चीज़ों से निकल नहीं पाते हो एंड ये पर्सन आपके बारे में एक बात और है जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि आपको भी ट्रस्ट इशू है दैट मीन्स इस पर्सन को पता है कि आप इजिली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हो आप इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हो आप इजीली किसी को अपने लाइफ में एंटर करने नहीं देते हो इजीली अपनी लाइफ के बारे में लोगों को नहीं बताते हो इवन दो आप सबकी हेल्प के लिए रेडी रहते हो लेकिन खुद सबसे हेल्प मांगने के लिए नहीं रेडी रहते हो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉर्ट आउट करने में लगे रहते हो और अपनी लाइफ में खुद ही हार्डवर्क करने में लगे रहते हो तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं एंड रियल में वो आपसे बहुत लव करते हैं आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी आपको पसंद आई होगी फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं बाय फॉर नाउ हैव अ गुड डे टेक केयर प्लेस यू एवरी वन